हेलो एवरी वन अमित अवरा फ्रॉम इको विजनियर आई होप यू हैव वॉस्ड माई विडियोज ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन बोर्ड्स एंड ऑल्सो द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स इन बोर्ड्स तो आज हम जानेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है मैनी स्टूडेंट्स लूज मार्क्स बाय प्रजेंटिंग द पेपर बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसमें वो अपने मार्क्स लूज करते हैं तो आज के वीडियो के बाद यूल अंडरस्टैंड कि आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है और पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है तो स्टार्ट करते हैं पहला अपना फर्स्ट जो मुझे लगता है कि बहुत क्रुशियल चीज है आपके पास वो है आपका एक्स्ट्रा टाइम आपको पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है मिनट पहले मिनट्स यू हैव एक्स्ट्रा टाइम सो आई वुड सजेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स पेपर मेरी पहला सेशन रहेगा आपको कि यूज दिस एक्स्ट्रा टाइम इन रीडिंग द एमसी क्यूज टूवाइस क्योंकि मैं जानता हूं मेजर जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी मेजर गलती एमसी क्यूज में होती है क्योंकि एमसी क्यूज में बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं तो जब पहली बार में पढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट में हम गलत आंसर मार्क कर देते हैं सो बी वेरी केयरफुल इस एक्स्ट्रा टाइम में हमें अपने एम सी क्यूज ट्वेंटी मार्क्स हैं हमारे पास एम सी क्यूज के वो हमें दो बार रीड कर लेने हैं उसके बाद भी इफ यू हैव समाइम लेफ्ट आई वुड सजेस्ट कि इस बार मोस्ट ऑबली के स्टडी आती है इको में तो आप वो पढ़ सकते हैं और आप गिवन न्यूमेरिकल्स को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है मैंने काफी बार देखा जब मैं इन्विजलेट करते थे तो काफी बच्चे यहाँ वहाँ देखते हैं पंद्रह मिनट वेस्ट करते हैं प्लीज डू नॉट वेस्ट योर एक्स्ट्रा आपका पेपर नीट होना चाहिए आपकी आंसर शीट साफ होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट आपने अगर लगता है कि मुझे कुछ फॉर्मूले भूल जाएंगे लास्ट में तो हम मार्जिन में या लास्ट के सेकेंड लास्ट पेज पे आंसर शीट के अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे को प्रॉब्लम ना हो बाद में हम कोई फॉर्मूला भूल ना जाए और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे आंसर्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं सो वेन एवर दे नेक्स्ट आंसर कमिंग लीव टू लाइन आप दो लाइन्स को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और आपको लग रहा है कि पेज का एंड आ गया है ओनली फोर लाइन्स आर लेफ्ट तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शीट से स्टार्ट करना है ट एज मेनी शीट्स आपको सप्लीमेंट्री शीट मिल जाती है आपको शीट बचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अनटाइडी और बहुत खराब लुक करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट आपको बहुत ध्यान देना है आपने जो पेन इस्तेमाल करना है मेनी पेन कितनी बार पायलट पेन एंड ये जेल पेन वो क्या करते हैं अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं पीछे सो प्लीज डोंट यूज सच पेन आप चेक करते हैं जो शीट के पीछे इंक छोड़ता है उससे क्या होता है जो पीछे वाली सीट है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू रीड द आंसर फिर आपका आपके मार्क्स वहां पे लूज हो सकते हैं कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड हेडिंग हमारे पास है क्वेश्चन नंबर और सेक्शन सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं सेक्शन को मिक्स करके सो so पहले पॉइंट में हम बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो आंसर आपको करने हैं क्वेश्चंस उनको आपको सेक्शन वाइज आई वुड प्रेफर कि आप वन टू सेवनटीन पहले कीजिए मैक्रो एंड देन गो फॉर आई ई डी एटीन टू थर्टी फोर ईको का पेपर कभी रहता नहीं है यू विल गेट एक्स्ट्रा आपको आपका टाइम बच जाएगा इको का पेपर खत्म करने के लिए सो यू हैव एक्स्ट्रा टाइम इन दी एंड यू विल से हाउ टू यूज दैट टाइम सो गो फॉर वन टू सेवनटीन देन एटीन टू थर्टी फोर ये प्रेफर करते हैं एग्जामिनर चेक करते हुए पर आप रिवर्स भी कर सकते हैं कुछ बच्चे सिक्स मार्कर्स पहले करते हैं फ्रेश होते हैं तो सिक्स मार्कर्स में ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं तो सिक्स टू जो, जो तो सिक्स पर सेक्शन ए स्टार्ट करके सेवनटीन टू वन एंड देन सेक्शन बी स्टार्ट करके थर्टी फोर टू एटीन और थर्टी फोर टू एटीन और आपको ऊपर मैंशन करना है कि सेक्शन बी पहले कर रहा हूं मैं और आपको सेक्शन को मिक्स नहीं करना है आप सेक्शन ए स्टार्ट करके बैठे हैं और बीच में आपने एक क्वेश्चन सेक्शन बी का कर दिया वेरी कंफ्यूजिंग एंड यू माइट लूज मार्क्स सिमिलरली आपको सारे पार्ट जो होते हैं कुछ क्वेश्चन के पार्ट आएंगे आपको फोर मार्कर्स में यूजली ए और बी पार्ट होता है आपको दोनों पार्ट एक ही जगह पे करने अगर आपको एक पार्ट नहीं भी आता है आप उसकी जगह छोड़ दिए लीव दिन एम्टी स्पेस और जब एंड में आपका माइंड थोड़ा सा थोड़ा फ्री हो तो आप उसमें अपने हिसाब से आंसर लिख के आएंगे आप कोई भी आंसर छोड़ेंगे नहीं आप कुछ ना कुछ उसमें रिलेटेड टू द टॉपिक आप लिख के जरूर आएंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने बात मेरी जरूर माननी है आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू तो फिर आपको कभी छोड़ना ही नहीं है सो so एक ऑप्शन तो आपको लिख के आनी है नो एम टी स्पेस इन एमसीक्यू द प्रोबिलिटी की वन फोर्थ ट्वेंटी फाइव परसेंट मेरा आंसर ठीक होगा सो यू आर नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन राइट समथिंग रिलेटेड दॉपिक एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड उस टाइम पे बाई डून देपर लीव द स्पेस डू इट इन देंड कमिंग टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकनॉमिक्स पेपर न्यूमेरिकल पार्ट तो न्यूमेरिकल में क्या होता है न्यूमेरिकल में ये होता है कि हमारे जो दो मेजर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर हैं नेशनल इनकम एंड थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर नेशनल इनकम की अगर बात करें तो टीचर्स प्रेफर करते हैं एग्जामिनर्स प्रेफर करते हैं कि आपने उसे वर्टिकली सॉल्व किया हो कि आपको प्लस करने में आसान नहीं होलीसॉर्टली भी किया हो तो मार्क्स नहीं कटते हैं पर अगर वर्टिकली किया हो तो ईजी कैलकुलेटेड होता है पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है जो आप सॉल्व कर रहे हैं यू हैव टू राइट द फॉर्मूला सो वेन यू रिटर्न द फॉर्मूला आपने एक मार्क तो गेन कर लिया बिकॉज फॉर राइटिंग द फॉर्मूला यू गेट एक्स्ट्रा यू गेट मार्क्स और जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं अमेरिका जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं पहले जीडीपी निकालना है फिर एनडीपी निकालना है सो दैट वी आर गिविंग स्टेप मार्किंग तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं फाइनल आंसर सिर्फ एक मार्क का होता है

थेरी आईईडी थे ऑप्शन कैसे लिखना है आंसर थ्री ऑप्शन ए आंसर इज मार्जिन रिक्वायरमेंट तो आपको पूरा लिख के आना है बाई चांस आपका ऑप्शन रीडेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हम रीड कर सकते हैं एंड यू कैन गेन गेन मार्क्स थेरी क्वेश्चन आईडी में जो भी है, जो वाले भी हैं, उसकी हो सके तो आप उसकी बना के उसको काफी आपकी एग्जामिन की गुड स्टूडेंट एंड देन कमिंग टू दर्ड पॉइंट आप क्लासीफाई ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन करते हैं काफी बच्चे वहां पर लिखाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉल्स ये लिख के आ जाते हैं विदाउट गिविंग द रीजन सो यू जाएंगे, तो आपको मार्क्स आधे ही मिलेंगे वेयर एवर पॉसिबल मेक अ डायग्राम जहां पूछा गया है जहां पूछा गया वहां तो कंपल्सरी बनाना है और आपको लगता है कि inflationary gap, deflationary gap और एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना एंड यू आर श्योर अबाउट डायग्राम डायग्राम गिव होती है डेटा बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं टेबल आपको दिया जाएगा इन द पेपर क्वेश्चन पेपर में टेबल सो so, उस टेबल में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के आपने वो डेटा अपने पैराग्राफ में अपने पॉइंट्स में यूज करना है विद योर एडिशनल एक्सप्लेनेशन

और सेवेंथ पॉइंट मेनी टाइम स्टूडेंट बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चॉइस वाले क्वेश्चन में वो दोनों पार्ट करके आ जाते हैं तो यूजुअली एग्जामिनर्स क्या करते हैं जो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स हैं वो क्या करते हैं वो पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं और आपने रिपीट किया दूसरा वाला वो काट देते हैं अगर दूसरा वाला ठीक भी है तब भी वो काट देते हैं सो यू डोंट नीड टू एक्ट वेरी स्मार्ट उन दोनों में से जो भी आपको बेटर वे में आता है आप वही वाला पार्ट अटैम्प्ट कीजिए दोनों अटैम्प्ट नहीं करना है आपने पॉइंट नंबर एट आपको की वर्ड अंडरलाइन करने हैं क्योंकि पेपर एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर चेक करने के लिए होते हैं दे नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन सो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इंक्रीज इन रेपो रेट क्या करता है तो हमारा मेन आंसर है इंक्रीज इन रेपो रेट विल सडनली रेड्यूज द मनी सप्लाई तो हमने सिर्फ रेड्यूस द मनी सप्लाई को अंडरलाइन कर दिया ये हमारा की keyword था की थे हमारे सो यू विल बी स्कोर्ड यू विल बी गिवन मार्क्स रिगार्डिंग दैट सो दीज आर सम टिप्स फॉर यू स्टूडेंट जो आपको फॉलो करनी है और आपके मार्क्स में बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप ये फॉलो करेंगे और लास्ट दो एडवाइस है मेरे मेरे आपके लिए आप किसी और से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे हो अगर आपने प्री बोर्ड में 75 मार्क्स लाए हैं और आप इस बार 85 ले आते हैं दैट इज मोर देन इनफ यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनी आर योर ओन कॉम्पिटिशन सो यू आर अ बेटर पर्सन अगर आप थोड़े से बटर मार्क्स ले आते हैं एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई लाइफ आपकी लाइफ योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा सा पेपर गंदा भी हो जाता है यू डोंट नीट टू गेट दि बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस बिजनेस स्टडीज पॉल साइंस एंड अर सब्जेक्ट क्वेश्चन यू कैन डाउनलोड आर इको विजनर ऐप एंड टीचर्स यू कैन रजिस्टर योर स्कूल फॉर इको विजनर ओलंपियाड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन नाइन एट नाइन वन टू जीरो थ्री फाइव फोर सिक्स ऑल द बेस्ट Fireboards.